हे गाइस नमस्ते सत श्री अकाल सलाम और कोई लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं लेकिन दिल से स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम AJ हांडा एंड फैमिली। आपको मैं बताना चाहूंगा आज की वीडियो का टाइटल जो है एक दिवाली ऐसी भी बाय एल्विश यादव। एल्विश यादव का मैं पहले से ही बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई एम श्योर जो ये वीडियो देखने आया रिएक्शन मेरा इस पे आप सब भी एल्विश यादव के बहुत ही ज्यादा बड़े वाले फैन है। एंड अगर आपको एल्विश यादव पसंद है और अगर आपको मेरा रिएक्शन देखना पसंद है एल्विश यादव के वीडियो पे जो कि मुझे हमेशा से बहुत ही तगड़ा वाला रिस्पॉन्स मिला है तो यार अगर आप चैनल पे आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना जितने भी एल्विश यादव के फैंस हैं और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज का टॉपिक आपको स्ट्रेट अवे पता है कि दिवाली है, जैसे कि आज 14th of November एंड बाय द वे हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल्सो। अगर कोई मुझे छोटा बच्चा भी अगर देख रहा है या कोई भी बच्चा देख रहा है तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू टू। एंड एक दिवाली ऐसी भी भाई एल्विश यादव मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है। काफ़ी सारी वीडियोज जो है मैंने स्किप कर दी हुई है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो पे जंप करते हैं और देखते हैं कि एल्विश यादव ने क्या कुछ खास बनाया है। और स्टे सेफ, एंजॉय दिवाली विद फैमिली एंड यूज लेस क्रैकर। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बर्न क्रैकर, थोड़े बहुत जलाओ, चिल मस्ती करो और थोड़ा चिल में रहो, ठीक है। एंड स्टे सेफ। आज की वीडियो पे आते हैं गाइस और देखते हैं कि क्या कुछ खास किया एल्विश यादव ने इस वीडियो में। इन 3, 2, 1, let's go. भाई हम यहाँ बम पटाके छुटा ले तो बेवकूफ है क्या, कहाँ रहेगा? भाई आ रहा हूँ यार 10 मिनट में। वो फ्रांस से एक दोस्त आ रखा है, बस उसी के साथ आ रहा हूँ। ओ भाई दोस्त वोस्त ने क्यों ला रहा है यार हम पे फालतू के बम पटाके? थोड़ी हमारे खत्म हो जाएंगे ना, उसने मत लेगा। भाई क्यों टेंशन ले रहा है, वो खुद के पटाखे ला रहा है और भाई कति सेक्सी सेक्सी पटाखे हैं उसके पास। अच्छा खुद के पटाखे लेकर आ रहा ना, फिर तो एक काम कर भाई उसने लेकर आ जा, वरना पहले उसके पटाखे छुटा के उसने घर भेज देंगे और उसके बाद अपने पटाखे छुटाएंगे। जल्दी आ जा। ये किस किस के साथ ऐसा होता है और ये किस किस ने अपने अपने बचपन में किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तुम लोग को लगता होगा तुम्हारा भाई बहुत बड़ा स्टड है लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे साथ बचपन में हुआ है कि जब मैं अपने पटाखे खरीदता था 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 कितने के भी, लोग मुझे बुलाते थे बहुत प्यार से और मेरे पटाखे पहले फोड़ लेते थे और फिर मैं घर चला जाता था राजा बाबू की तरफ। फिर उसके बाद छत से बाहर देखता था, कभी झांक के या खिड़की से बाहर देखता था मेरे घर से तो वो और पटाखे फोड़ रहे होते थे और वो भी अपने। तो मतलब यार मेरा बचपन में बहुत ही ज्यादा कटा है इन सब चीजों को लेके। गाइस सारे पटाखे पैक कर लो भाई, बकरा आ रहा है, जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ। ओ भाई देखो मेरी बात सुनो, सॉरी जान जाए पर बम पटाखे ना जाए, ठीक है ना? सारे कट्टे बट्टे मान खुल भाई, पटाखे वटाखे कहां है निकाल लेना। ओ भाई हम क्यों निकालेंगे अपने पटाखे, तेरा फ्रांस वाला दोस्त आ रहा था साले, वो कहां है? अच्छा वो यो आ जा। भाई एक बार जरा साइड में आओगे? ओ भाई यू कैसा गलत दोस्त लेकर आया तू, इसकी तो साड़े की जात भी अलग है। तेरी मम्मी ने धमकाया ना कि तू ये दोस्ती करने से पहले। भाई यार कर दी ना छोटी बात, और वैसे भी ये सारे एक जैसे ना रहे, देखियो कितना क्यूट है। क्यूट तो है और वैसे भी हमने तो बम छुटाने तक मतलब है ना, इसके बम छुटा के भगा देंगे इसने। चल अब सही कह रहा है तुम्हारा मेहमान ही, आ जा। तो भाई फिर कारनामा शुरू करते हैं, हम पे तो बहुत सारे बम है, मुर्गा छाप बम है, सूतली बम है, बिजली बम है, लक्ष्मी बम है और भाई बहुत सारे बम है। वल्ला बीवी ये कैसा छोटा मोटा बम फोड़ती, फोड़ना है तो दिल्ली फोड़ो, बम्बई फोड़ो, कलकत्ता फोड़ो। भाई तुम्हारा दोस्त तो बहुत कैडे जोक मारता और भाई बता रहा था भाई तुम अपने बम का बम भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे बम का कट्टा नहीं दिख रहा पर तुम्हारी गाड़ी में रखे होंगे। नितिन भाई एक काम करो, भाई की गाड़ी की चाबी लेके जाओ और बम लेकर आओ। चल एक हस्ती शेख अपने बम अपने साथ रखती है।
बहुत बढ़िया बात है, फिर तो भाई बहुत सारे बम छुटाएंगे। एक काम करेंगे, वो 12 डिब्बा आता ना, 12 वाले ऊपर से और चौथे मेरे घर में। तो भाई लक्ष्मी पूजा, मेरी मम्मी बुला रही है, बाय। अरे कहाँ जाती शेख साहब, मेरे घर तो लेटी वाला है, मैं चलता हूँ। हट गई मैं तो इनका रिलेटिव हूँ, मेरे को इनके घर ही जाना, बाय। हट गई। किसी ने नोटिस किया, वो जब भी देख के आया था हुक्के का पॉट, उसके ऊपर कोयला पड़ा हुआ था हुक्का मारने के लिए। अब तो कोयला भी गायब है भाई। डोंट टेल मी आगे आने वाले टाइम में कोयला रख दे, बाइक कॉट हो चुका है। नो पहले ही क्या थी, जाट का मुकाबला तो है ही नहीं। चक पटाके लाइए स्टाल, आजा। ओ यार एंडे च तो सिर्फ फुलझड़िया ने। हाँ भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो फ्रांस का मेरा दोस्त आ रहा है ना, उसके साथ आ रहा हूँ। चल परमिंदर। वाह बेटे वाह, जो तुम ये बम पटा के छुटा रहे हो बेटे, जो तुम मेरे घर का आगे छुटा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गली में कर रहे अंकल, तुम्हारे घर में नहीं कर रहे। कह तो तू सही रहा है, पर तू कह कैसा रहा है हैं? रविंदर के तू अपने बाप पे गया, तेरा बाप भी बदतमीज था और तू भी बदतमीज। ये ज्यादा जुबान चलाई ना, तेरी जुबान ने काट के अंदर ले जाऊंगा और कहाँ रख दूंगा, फ्रिज में रख दूंगा, फ्रिज में, समझा? अरे अंकल क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो, त्योहार है, छुटा लेने दो पटाके। त्योहार है तो तेने बम पटाके छुटान दूं हैं? सरोज का छोटना है ना तू, तेरी माँ के सांस की दिक्कत हो रही है, तू साड़े यहाँ धुआं धुआं करके अपनी माँ ने मार देना आज हैं? त्योहार के नाम पे कुछ भी बकचोदी करोगे, साले बेशरम, हर त्योहार पे अपनी ऐसी करवाना आ जाएंगे, तुमसे बम फोड़वा लो, पटाके छुड़वा लो, माँ चुड़वा लो। आज साले तुम बम फोड़। यार एल्विस यादव की वीडियो मुझे नहीं लगता कि बिना गाली के पूरी हो सकती है कभी। बम फोड़वा लो, पटाके छुटा लो, माँ चुड़वा लो, क्या चालू है भाई? बम फोड़वा लो, पटाके छुड़वा लो, माँ चुड़वा लो। आज साले तुम बम फोड़ रहे हो, कल तुम दारू पियोगे, परसों तुम लड़की छेड़ोगे, तुम्हारे बस की जिंदगी में कुछ भी करना ना बेट चो, तो तुम ढोल बजाओगे। निकल चल। क्या हो गया अंकल, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं ना। ड्रिंक लाइक अ फिश, लाइक हमारे भाई की फेवरेट है बडवाइजर मैग्नम। ड्रिंक लाइक अ फिश, लाइक अ ड्रिंक लाइक अ फिश, लाइक अ ड्रिंक लाइक अ फिश, लाइक अ ड्रिंक लाइक अ फिश। ए यो आज तुम बम छुटा रहे हो, कल तुम दारू पियोगे। और मुझे दारू की महक कैसा आ रही, मुझे कोविड हो गया का, और जब मुझे तो नशा हो गया। ओए ओए पटाके, तेरी बत्ती कहाँ, तेरे आंच लगा दूंगा, आजा। उफ, तैने छू दिया वो ही बहुत है, तैने तो मेरे ही आंच लगा दी, तेरे नाम की तो पार्टी करूंगा। परसों तुम लड़की भी छेड़ोगे, तुम्हारे बस की जिंदगी में कुछ भी करना ना है, तुम बैठो तो ढोल बजाओगे, ढोल। यार दिवाली का त्योहार कितना ज्यादा खराब होता है यार, इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा पोल्यूशन यार, इतने ज्यादा पेशेंट है यार अस्थमा के, इतने ज्यादा मर रहे हैं, इनको अकल वकल नहीं है कि दिवाली थोड़ी ग्रीन मनानी क्यों है? पर दिवाली यार, तेरा भाई जिस दिन पीएम बन जाएगा ना, दिवाली पे लिटरली बैल लगा दूंगा, ताला ठोक दूंगा कि दिवाली जो मनाता ना जरा ना साढ़े गोली मार दूंगा भाई। पोल्यूशन होता है यार, इन्वायरमेंट खराब होता है यार, बहुत बुरा हाल है यार इंडिया का। भाई तू जलाना यार भाई मेरे में। ओ भाई क्या स्वैग था यार, दुनिया में इतना पोल्यूशन हो रहा है यार, बैन करवा देंगे पटाखे वटाखे, फिर एकदम से हुक्के का पाइप आ जाए, और भाई भाई बहुत पोल्यूशन है भाई इंडिया में, बहुत बेकार है यार इंडिया। गुदा नहीं है। यार तुम तो बड़े फट्टू किस्म के, तुम्हारे बस की बम छुटाना ना हो रहा है। यो देखो अब तुम अपने भाई ने देखो, मजाक नहीं है भाई, फट जाएगा। भाई
भाई तू तो गलत बंदा बन चुका है यार, ये तो बिल्कुल पटाखा, पर तेरे को डर नहीं लगता? अबे डर कोई लगने की चीज है? पहाड़ी ड्यू, न प्रॉफिट न लॉस, सिर्फ जीत, समझो चेले। अरे यो तो साढ़े कुछ भी ना है, तेरा भाई ने डरे किसी बम पटाके थे? एक बार तो भाई बकायदा अलकायदा तक फोन आ गया था कि एल्विस भाई हमारे सुसाइड बॉम्बर बनोगे का, तुम्हें डर वर तो लगता नहीं? तेरा भाई ने मना कर दी, पूछ क्यों? क्यों भाई? ट्यूशन था ना 4 बजे का, भाई ट्यूशन पावे पूजा। अब यार अलकायदा पलकायदा के चक्कर में पूजा थोड़ी छोड़ी जाएगी यार। भाई यार तुम तो बहुत ही पहुंची चीज हो, और क्या क्या कर सकते हो तुम? तेरी बंदी बजा सकूंगा। अब भाई ये पूछना क्या नहीं कर सकता, सब चीज कर सकूं, ये तो सैंपल था, तुम यो देखना। भाई रोक मत कर, अबे मत कर भाई मत कर। ओ भाई छोड़ दिया, ये वाला सीन दिखाया नहीं तुमने, कैसे छोड़ा? वो पीको बम तक तो ठीक था, रॉकेट नहीं दिखाया भाई, एल्विस यादव चोट लग जाएगी। भाई यार तू मेरी बहन से ब्याह कर ले यार, मेरे को तेरे अंदर जीजा दिख गया मां कसम। थैंक यू फॉर द ऑफर, पर अपनी बहन को बोलियो कि अपने हस्ते सिम जाए, ठीक है ना? पूजा से ऊपर कुछ नहीं, और भाई 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी वाली मैं ही लाऊंगा और पूजा ना लाऊंगा, सुन ली पूजा देना। और भाई अब तो तुम ये देखना ना, ये है मेन धमाका। अबे भाई ये ब्लास्ट हो जाएगा यार। अबे भाई अलकायदा से फोन आया मेरे पास, कोई नजफगढ़ से थोड़ी आया, ये प्रैक्टिस है मेरी। कैसे लगा भाई का धमाल, उड़ गए ना होश? ओ भाई यार तू तो बड़ी चीज हो गया भाई। लक्ष्मी पूजा? अबे लक्ष्मी पूजा तो रात को होएगी ना, और भाई तू भी आ जाए, घने दिन हो गए तेरे घर पे आए यार। पर तुम नो तो बताओ मेरा धमाल कैसा लगा? अरे भाई बताई तो अभी, एक नंबर, एक नंबर बाबा। अबे सोन पापड़ी थोड़ी दूंगा इस बार, तो चॉकलेट का डिब्बा दूंगा पूजा से। ये पागल हो गया, मैं पागल हो गया भाई? बहरा हो गया है। अक्षय कुमार नहीं यार, नील नितिन मुकेश बहुत बढ़िया एक्टर है। तो ये तो सच में बहरा हो गया भाई, चल इसके मजे ले। और तेरी पूजा ने हम सेट कर ले में क्या? साढ़े सब सुनाई दे रही है, 2-3 सेकंड तक झन्नाटा के आगे मेरी पूजा सेट करने को हो रहे हो तुम? हम चौदह पूरी दिल्ली, हम पे भोगा कुत्ता बिल्ली। क्या बात है, क्या बात है, एक बार और सेम डायलॉग सुनाई दे रही है, 2-3 सेकंड तक झन्नाटा के आगे मेरी पूजा सेट करने को हो रहे हो तुम? हम चौदह पूरी दिल्ली, हम पे भोगा कुत्ता बिल्ली। खिलाड़ियों में खिलाड़ी, एल्विस यादव फ्रॉम बुराड़ी। ब्रो यार दिवाली में जानवरों का कितना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है यार, मतलब इस पटाखों के शोर से मैंने तो बहुत सारे जानवर देखे कि बहरे हो गए। पता नहीं इंसानों को कब समझ आएगी कि दिवाली पे यार जानवरों पे क्रुएलिटी ना दिखाए, है सही कह रहा हूं ना? यार मटन मंगाया अब तक आया क्यों नहीं यार? साढ़े पूरी दुकान खरीद लेंगे, है ना भैया? ये वाला बम कितने का दिया? 20 रुपए। अरे खुले में चाहिए बम, अकेला बम कितने का है? कंजर 3 रुपए। 3 रुपए? ओ भाई यार तुमने तो बहुत लूट मचा रखी, 3 रुपए का बम है, कम से कम इसे फ्री का तो दो। मतलब कि यार कम से कम 1.5 पैसे तो कम करो। Obviously यार बनता है। ओ ये क्या बात है? मैं यार इस भैया की गाने में फुलझड़ी दे दूंगा। भैया थोड़े से पैसे तो कम करो, 35 पैसे एटलीस्ट। ब्रो ये पूरे बम्बो की दुकान कितने की थी? 1,10,000 रुपए। 1,10,000? बस एक काम करो ये ना सारे बम्बो को पैक करवा के ना मेरी गाड़ी में धर दो, बैंक ट्रांसफर मार लेना, और ये फोन भी धर लेना, आईफोन 12 है लाल रंग का। ओ भाई ये तो अपना गुड्डू है ना भाई, अमीर हो गया तो। क्या हाल है भाई गुड्डू के? गौतम सिंघानिया प्रजापति। पर हाँ आखिरी में ना कुमार भी लगा लिए। गौतम सिंघानिया प्रजापति। सिंघानिया प्रजापति छू मत। पर हाँ आखिरी में ना कुमार भी लगा लिए। ओ भाई
भाई इसके कैसे नसीब से बदल गए यार, पिछले साल तक तो हमारे पटाखे चुरा चुरा के फोड़े करता, अब इतना पैसा कहाँ था आगा? इसकी प्राइवेट जॉब तो नहीं लगी है? ना इसकी ना प्राइवेट जॉब लगी है और ना इसका कोई बिजनेस है। बेटे इसके साथ तो गलत ही सीन हो गया, तुझे पता नहीं क्या? ऐसा का सीन होगा, इसने कोई ऐप वैप तो डाउनलोड नहीं कर लिया एलवी यादव की वीडियो देख के? इमोशन नहीं है। तुझे पता नहीं क्या भाई, दिवाली वाली रात को अगर तुम्हारे घर में बिल्ली घुस जाए तो चांदी चांदी सोना ही सोना भाई, बहुत पैसा। और इसके घर में तो एक साथ तीन तीन बिल्लियां घुसी थी, तो सोच बेटे जब अगले दिन उठा ना, जो तीन मंजिल की कोठी, घर के बाहर गाड़ियां गाड़ियां, घर के अंदर जाए तो रशियन सब। भाई ऐसा सीन भी होता है भाई, मेरा भी करवा। मैंने एक और चीज कॉट करी है जस्ट की इसका, इस सीन में चश्मा पहना हुआ है इसने, और जब ये डायलॉग बाजी कर रहा चश्मा इसके हाथ में फोल्डेड है। ध्यान से देखना, बैक करके दिखा रहा हूँ, ये देखो हाथ में चश्मा है। जस्ट पीछे करूंगा मैं थोड़ा सा, और इंतजार करियो बिल्ली का, लेकिन फीमेल ही आनी चाहिए, अगर मेल बिला हुआ आ गया ना। एल्विस यादव जैसे बंदे के वीडियो पे ये एक्सपेक्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि ये छोटी छोटी चीज है जो इसने नजरअंदाज करी है। तो और भाई घर में बिलाऊ बढ़कर तो भाई फिर तो फीमेल ही बढ़ो, आज रात ने देखे तेरे भाई के घर में बिल्ली बढ़ेगी और पैसा ही पैसा कर देंगे भाई। और ओ मम्मी दूध के पैकेट खरीद ले बहुत सारे, आज तो सोने का हार दुआऊंगा। आज तो बिल्ली से दूध के बदले 3,31,00,000 रुपए मांग लूंगा, 300 गज का प्लाट तो आएगा सेक्टर में। बिल्ली देवी मुझे पैसा दे दे, बहुत सारा पैसा। विराट और अनुष्का, ये वो है संजय प्रजापति। तुमने इसके चक्कर में आरसीबी की मां चुदवा दी। विराट भाई तुमने इसके चक्कर में आरसीबी। ओ ये एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी थी भाई। पास बेसिकली उसने उसको बिल्ली का एक बहाना दिलवाया कि भाई वो बिल्ली के बहाने से गेट खोल के रखेगा, गेट के पास बैठेगा और जब नींद भरी हालत में होगा तब ये चोरों की तरह बन के घुस के आएंगे अपने उसके घर में और चोरी करके चले जाएंगे, ये इनका प्लान था भाई। कितनी बिल्ली बड़ी कल घर में यार, पता ना तेने अच्छे दरवाजे खुलवाए, पता ना साला कौन सा जानवर बढ़गा भाई, सारा दूध पीगा, सारे पैसे ठा के लेगा और भाई माता रानी का आगे धरे 21 रुपए भी ठा के लेगा यार। ओ, तेरे घर में विराट और अनुष्का तो नहीं आए थे ना? भाई विराट और अनुष्का तो आए थे यार। अबे वही तो नहीं आने चाहिए थे यार, तेरी तो किस्मत ही बेकार है भाई। सॉरी यार सॉरी। ओ फक भाई मैं हो रहा हूँ लेट, तो तू रो ठीक है, रो जी भर के रो। मैं नहीं कहता कौन की है ये, उसकी घड़ी है। यो घड़ी तो मैं देखी देखी सी लग रही थी, वो साले तो मेरी घड़ी है। माय गॉड। हाँ माँ, अभी 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में निकल रहा हूँ और वो सेक्टर 14 से उठा लूंगा, ठीक है ओके। भाई तू पटाखे छुटा, मैं लक्ष्मी पूजा के बाद आता हूँ ठीक है। अबे कहाँ जा रहा है यार, अभी तो पटाखे फोड़ने शुरू करे हैं भाई। भाई बताई तो लक्ष्मी पूजा है यार, जो हमारी पुरानी लक्ष्मी जी की मूर्ति थी ना वो नीचे से टूट गई, मैं नई लेके आऊंगा और फिर पूजा के बाद आता हूँ।
अबे अल्वेश यार, तू अब भी इन चीजों में बिलीव करता है क्या? ये मूर्ति वूर्ति को पूजना, भाई ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये जमाना आगे बढ़ता जा रहा है और तुम जैसे लोग उसको पीछे खींच रहे हो। मम्मी को मना कर दे कि मैं नहीं आ रहा, चुपचाप पटाखे फुटा। ओ भाई, अगर तेरे को लगता है कि भगवान की पूजा करने से हमारा देश पीछे जा रहा ना, तो तू भाई बहुत बड़ा चूतिया, अपने काम से काम रख, ठीक है? मैं जा रहा हूं। ओ एक सेकंड, क्या चूतिया, क्या समझा के जा। भाई देख, यूट्यूब वीडियो है इसलिए तेरे को समझा रहा हूँ, ना तो भाई इसके जैसे कि तो मैं गांड तोड़ता। भाई सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी होप्स होती हैं। मानने वाले तो भाई पत्थरों में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं, और जिसको नहीं मानना होता उसके सामने तो बेशक असली का भगवान निकल के आ जाओ, तो भी कहेंगे यार ये तो है, हम थोड़ी मानेंगे इस चीज में। मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रहा इस चीज में कि भाई भगवान है, पर मेरे हिसाब से साइंस के बियॉन्ड भी एक चीज होती है, मैं तो भाई उसको भगवान कहता हूँ, तेरा मेरे को पता नहीं। तो छुटा तो पटाखे, मैं लक्ष्मी पूजा के बाद आता हूँ, ठीक है? ओके गाइज, होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, अपना कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, कमेंट करके जेन्युइन कमेंट करना कि भाई फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। बस ऐसे कर देना कि भाई हबीबी वाला, ये वाला, वो वाला कर देना, पर कमेंट जरूर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और क्या कहते हैं, और भाई भाई की तरफ से हैप्पी दिवाली आपको और आपकी फैमिली को। काफी बढ़िया, काफी बेहतरीन वीडियो, और मैंने सही टाइम पे वीडियो को पॉज कर रखी है अल्वेश यादव का ये प्यारा सा चेहरा लेने के लिए। इसको अभी हम जूम कर देंगे थोड़ा सा। ओके, तो वीडियो मुझे काफी पसंद आई, और लास्ट में जो उसने मैसेज पास ऑन किया वो काफी ज्यादा अच्छा था कि लाइक देखो, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ एंड ऑल, अगर हम मानेंगे तो उस चीज को तो वो चीज भी वैलिड होती है। और ये जहां तक बात रही वो पुराने जमाने की कि हम यू नो पूजा करके अपने देश को पीछे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द बिलीफ। तो यार, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा मानना है, और बाकी तुम्हारा क्या हिसाब है मुझे नहीं पता। Happy Diwali to you once again and to your family, and thank you so much for being with me on my channel, and I hope you like this reaction video as well. And jitni videos abhi sab thodi bahut skip ho chuki hain wo main abhi complete karunga, koshish karta hu zyada se zyada video bana sakun ab main. I'll try my level best, and agar aapko ye video pasand aayi ho to like, share, comment and subscribe zarur karna. Instagram pe bhi mujhe follow kar lo yaar, Instagram ki link bhi description mein di hui hai, aur is video ka original link bhi डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर तुमने अल्वेश यादव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाके कर लेना। कमेंट करके जरूर बताओ अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। मुझे तो काफी सारे पार्ट अच्छे लगे, स्पेशली वो अपना बिल्ली वाला विराट अनुष्का की। अरे भाई विराट अनुष्का, तुमने अनुष्का की वजह से आरसीबी की मां चुतवा दी है। और वो ढोल वाला, काफी सारे ऐसे ऐसे पार्ट थे जो मुझे पर्सनल फेवरेट लगे, जो मुझे पसंद आए इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।